अगर आपका मोबाइल कहीं बाज़ार जाते वक्त कहीं गिर गया है, खो गया है या फिर चोरी हो गया है, तो दोस्तों आपको बता दें कि अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपका मोबाइल कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश कुमार और टेक्निकल अलायंस में आपका स्वागत है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अब यदि आपका मोबाइल कहीं खो जाता है, गिर जाता है या फिर कोई चोरी कर लेता है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत सरकार ने एक ऐसी वेबसाइट लॉन्च की है जिस पर आप अपने खोए हुए मोबाइल की गुमशुदगी दर्ज करा सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इसके लिए जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया ये है कि आप अपने खोए हुए मोबाइल की एक FIR कराएंगे और वो FIR की कॉपी जो है वो आपको एक वेबसाइट पर गुमशुदगी उसकी दर्ज करानी होगी। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए एक नंबर भी दिया गया है, जो नंबर है 14422। जी हाँ दोस्तों, 14422 पर आप उस FIR कॉपी की डिटेल बता करके उसकी गुमशुदगी दर्ज करा सकते हैं। और आपको बता दें कि भारत सरकार ने एक ऐसी वेबसाइट जो कि केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने लॉन्च की है, जो कि अभी मुंबई में ही लॉन्च हुई है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये जो वेबसाइट है, ये आपके फ़ोन को ढूंढने में काफ़ी काम आएगी, उसके जो IMEI नंबर है उसको ब्लॉक कराएगी। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो वेबसाइट का नाम है, तो ये वेबसाइट जो भी लॉन्च हुई है, ये www.ceir.gov.in के नाम से केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, जो केंद्रीय दूरसंचार मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद जी ने, ये शुक्रवार को लॉन्च की है। जी हाँ दोस्तों, इस वेबसाइट का काम जो होगा, इस पर आप अपने खोए हुए मोबाइल की जो पूरी डिटेल है वो फिल करेंगे। फिल करने के बाद इस पर आप अपने IMEI नंबर को ब्लॉक करा सकेंगे, और ये जो IMEI नंबर है, ये आप FIR दर्ज कराने के बाद आप उसमें पूरी डिटेल दर्ज कराएंगे और फिर इसके बाद इसे आप ब्लॉक करा सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको यदि फिर उसके बाद क्या होगा कि आपका फ़ोन कोई दूसरा यूज़ नहीं कर सकेगा, और आपका फ़ोन को पुलिस आसानी से ढूंढ भी सकेगी। जी हाँ दोस्तों, ये तो रही इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट की। और आपको बता दें कि एक नंबर भी जारी हुआ है, जो कि 14422 है, और ये नंबर जो है, इस पर भी आप अपने IMEI नंबर और FIR की डिटेल बता करके आप अपने IMEI नंबर को फ़ोन को लॉक करा सकते हैं, जिसकी वजह से आपका फ़ोन सुरक्षित रहेगा और इसे कोई दूसरा यूज़ नहीं कर सकेगा। आपको बता दें कि यह जो फ़ोन है, ये किसी भी नेटवर्क पर बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, जब तक के आप इस IMEI नंबर को ओपन नहीं कराएंगे। तो आपको बता दें कि ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है, आप अपने कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर अब तक कि आपने हमारे चैनल टेक्निकल आयांस को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसे सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो उसे लाइक कर दें और इसे अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तब तक के लिए मैं दुर्गेश कुमार आपसे विदा चाहता हूँ, और मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ, इसी प्रकार की टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।